ये जो रेगमाल है ना दोस्तों, इसको ऐसे कर लेंगे और इस पर जो है अच्छे से ऐसे रेगमाल मार लेंगे ताकि इसकी जो धार है ना सारी खत्म हो जाए, इसमें धागा नहीं उलझने का। हेलो दोस्तों, दोस्तों क्या होता है जब हम सिलाई मशीन से सिलाई करते हैं और नीचे का धागा जो है ना यहाँ से जब ऐसे गुजरता है, ये देखिए ये धागा यहाँ से निकल रहा है और ये इसके बराबर में निकलेगा कैरियल की यहाँ से। अब क्या होता है जैसे हम मशीन को पायदान पर चलाते हैं, स्पीड पर चलाते हैं, तो हमारी जो सिलाई मशीन है नीचे से धागा तोड़ देती है। और वो धागा तोड़ते क्यों है वो भी मैं बताता हूँ आपको। इसको यहाँ से पहले धागे को निकाल देंगे और उसकी डब्बी जो है ना ये बाहर निकाल के, और अब देखिए ये देखिए इस पर है ना कितने खार है, ये धार है ना इसकी धार खड़ी हुई है पत्ती की, यहाँ से जब धागा इसमें को बराबर में को निकलता है ना तो यहाँ पे उलझ जाता है और इसी वजह से हमारी जो सिलाई मशीन है धागा तोड़ देती है। इसको कैसे ठीक करना है मैं आपको बताता हूँ कैसे ठीक करना है। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो को काटना मत ताकि आपकी समझ में अच्छे से आए और आपकी सिलाई मशीन जो है धागा काटना बिल्कुल बंद कर देगी इस वीडियो को देख के। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमें क्या करना है दोस्तों, ये शटल है ना, ये इसके दोनों पेंच ये और ये वाला, इसको खोल लेंगे खड़ी करके ऐसे और उसको बाहर निकाल लेंगे। ये दोनों पेंच खोल के ये बाहर निकल जाएगा शटल। ये देखिए दोस्तों ये बाहर आ गया शटल। अब इस पे देखिए ये जो है ना इसकी धार खड़ी हुई है ये वाली, इससे हमारी जो सिलाई मशीन है धागा तोड़ देती है। तो इसके लिए क्या चाहिए आपको, रेगमाल चाहिए। ये जो रेगमाल है ना दोस्तों, इसको ऐसे कर लेंगे और इस पे जो है अच्छे से ऐसे रेगमाल मार लेंगे ताकि इसकी जो धार है ना सारी खत्म हो जाए, इसमें धागा नहीं उलझने का। ऊपर तक मारना है, यहाँ तक ऐसे करके गोलाई में। ताकि बिल्कुल मलाई सा हो जाए, जब ऐसे आप उंगली फेरोगे ना इस पर तो इस पर कहीं पे भी जो है ना ऐसे धार खड़ी ना हो, जहाँ पे भी दिख रही हो आपको वहीं पे रेगमाल अच्छे से मार ले। इससे क्या होगा दोस्तों, रेगमाल मारने से आप इसलिए मशीन नीचे से धागा बिल्कुल नहीं तोड़ने की, बस इस बात का ध्यान रखना है आपको। ये देखिए दोस्तों मैं इसको साफ कर लेता हूँ पहले, इसको अच्छे से साफ करके ये देखिए। अब ऐसे इस पर ऐसे उंगली फेरोगे ना ऐसे, अब इस पर जो है बिल्कुल पॉलिश आ गई और हमारा इसमें जो सिलाई मशीन का धागा है वो उलझने का नहीं। और इसको जो शटल को हमने खोला था ऐसे ही शटल लगा लेंगे दोनों पेच। दोनों पेच जो है अच्छे से टाइट कर लेंगे। और अब देखना जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ चीज, इसकी जो है शटल डब्बी लगा लेंगे, ये लगा लिया और उसमें दोबारा से धागा डालेंगे। ये धागा डाल दिया हमने दोस्तों और ये धागा ऊपर आ गया। अब जैसे कपड़ा रखेंगे इस पर, ये कपड़ा रख दिया हमने। और अब देखिए दोस्तों जैसे धागा नीचे से जाएगा ना, अब ये देखना यहाँ से कन्नी से आराम से निकल जाएगा यहाँ से ये वाला। अगर हम इसको गोल कर लेंगे तो हमारी जो सिलाई मशीन है बिल्कुल भी धागा नहीं काटने की। कितनी भी स्पीड पे पायदान पर मोटर पे मशीन चलाओगे आप तो आपकी मशीन जो है अच्छे से चलेगी। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और शेयर तो ज़्यादा से ज़्यादा करना दोस्तों।